वैशाली ने जब ये सुना कि उसके कान की बाली राघव की गाड़ी में गिर गई थी, तो उसने अपने कान को छू कर देखा। ये सच था, उसके कान में उसकी बाली नहीं थी और उसके बाल कानों के ऊपर होने से किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। वैशाली ने अपने सामने खड़े राघव को एक अजीब लुक दिया और कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसको खुद भी पहन सकती हूँ। अक्षत और अभिनव दोनों दूर खड़े होकर उन दोनों को बातें करते हुए देख रहे थे। हालांकि उन्हें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। अक्षत उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसके कदम खुद बखुद वैशाली और राघव की तरफ बढ़ गए। अभिनव ने जब अक्षत को उनकी तरफ जाते हुए देखा तो उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसने अक्षत के पीछे जाते हुए कहा, भाई आपकी कार इधर है, आप गलत जगह जा रहे हो। लेकिन अक्षत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभिनव की बात सुनाई ना दे रही हो। वो उस ओर बढ़ गया। उधर राघव ने वैशाली से कहा, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? वैशाली ने उसकी बात को साफ मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, राघव बोला। लेकिन तभी वैशाली को अक्षत उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। वो धीरे से बोली, शिट, मैं तो भूल ही गई कि ये भी यहीं थे। उसने तुरंत जाते हुए राघव को देखा और कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। राघव के कदम वैशाली की बात सुनकर रुक गए। वो खुश हो गया क्योंकि आज वैशाली ने खुद से उसके साथ जाने को कहा था। लेकिन वैशाली को क्या पता था कि वो एक तरह से अपनी मौत को न्योता दे रही थी। वैशाली जैसे ही राघव की गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरानी से पीछे मुड़ी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके सामने अक्षत का गुस्से से भरा हुआ चेहरा आ गया। उसको इतने गुस्से में देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। अक्षत ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम किसी अनजान के साथ ऐसे जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, माय लव। उसकी बात सुनकर वैशाली अपनी जगह जम गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षत की बात का क्या जवाब दे। वैशाली मन ही मन उसको गाली दिए जा रही थी। आखिर ये वैशी दरिंदा कहना क्या चाहता है, माय लव, इसका क्या मतलब हुआ? एक तो उसने राघव को अपना बॉयफ्रेंड बताया है, और अगर गलती से भी अक्षत ने राघव के सामने बॉयफ्रेंड वाला सच बता दिया तो राघव को लगेगा कि मैं उसको पसंद करती हूँ, फिर तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैशाली की हालत इस वक्त खराब हो रही थी। उसके एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। लेकिन जो भी हो, उसने एक तरफ से खुद के लिए अपने आप ही मुसीबत मोल ली थी। राघव को एक मिनट के लिए अक्षत की बातें सुनकर झटका लगा। वो अपनी जगह खड़ा उसको घूरे जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसने वैशाली को अभी अभी माय लव कहा? आखिर ये है कौन और वैशाली को माय लव कहने का इसका क्या इंटेंशन है? कहीं ये वैशाली का बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये ख्याल आते ही तो वो आगे आया और अक्षत से गुस्से में बोला, आपकी तारीफ। अक्षत उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसने वैशाली के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या इसकी इतनी औकात है जो ये मेरे बारे में जान सके? वैशाली और राघव उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान थे। वैशाली मन ही मन खुद को गालियां दिए जा रही थी। आखिर क्यों वो इस कंपनी में जॉब के लिए आई? राघव को अब गुस्सा आने लगा था। वो आगे बढ़ा और उसने वैशाली के दूसरे हाथ को पकड़कर उसको खींचने लगा। अक्षत ने भी उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। राघव को वैशाली का हाथ पकड़े हुए देखकर अक्षत की आंखें लाल हो गईं और वहीं वैशाली तो जैसे पागल ही होने वाली थी। उसके एक हाथ को अक्षत ने और दूसरे को राघव ने पकड़ रखा था। वो दोनों बस उसको अपनी अपनी तरफ खींचे जा रहे थे। इतने में अभिनव वहां आ गया। उसके साथ ही 10-12 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे। वैशाली से ये सब सहन नहीं हुआ और उसने उन दोनों से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। राघव ने वैशाली को जब अपने आपे से बाहर जाते देखा तो उसने उसके हाथ से अपनी पकड़ ढीली कर दी। वैशाली ने झट से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया।
लेकिन अक्षत ने अभी तक भी अपने हाथ को वैशाली के हाथ से अलग नहीं किया था। वैशाली उसे घूरते हुए बोली, आप मेरा हाथ छोड़ने का क्या लेंगे? क्या मुझे आपसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए बैंड बाजा बुलवाना पड़ेगा? अक्षत ने वैशाली को एक अजीब लुक दिया और फिर राघव की तरफ देखकर बोला, आज तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और इस गलती को सुधारने का तुम्हें एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुमने दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। यू गॉट इट? अभिनव उनका कोल्ड वॉर काफी देर से देख रहा था। अक्षत की बात सुनकर अभिनव ने बीच में कहा, हाँ हाँ भाई, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी भावी भाभी को हाथ लगाने की? अभिनव के मुंह से भाई शब्द सुनकर राघव की आंखें सिकुड़ गईं और वैशाली ने भी उसे हैरान होकर देखा। जहां वैशाली अभिनव की भाभी वाली बात सुनकर हैरान थी, वहीं राघव के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने अक्षत को देखा और मन ही मन कहा, क्या ये आदमी जिंदल परिवार का बड़ा बेटा है? अभिनव ने उसे अभी अभी भाई कहा, इसका मतलब ये अक्षत जिंदल ही है। ये ख्याल आते ही वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद एक डर की शिकन उसके माथे पर आ गई। राघव ने सिर्फ अक्षत का नाम सुना था, उसने कभी उसको देखा नहीं था क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल रहना पसंद करता था, लेकिन अभिनव पूरा उसके उल्टा था। अभिनव हमेशा मैगजीन और न्यूज़पेपर में छाया रहता था। अब तक राघव का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। शायद उसने इस बार गलत जगह पंगा ले लिया था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थीं, लेकिन वो वैशाली के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वैशाली उसे डरपोक समझे, इसलिए उसने बहादुर बनकर अक्षत को जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम क्या सोचते हो कि तुम किसी भी लड़की को अपने पास रख सकते हो? अगर तुम्हारी ये सोच है तो तुम गलत सोच रहे हो। वैशाली ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो तुम्हारे पैसों के दम पर तुमसे प्यार करने लगे। अक्षत ने राघव की बात का जवाब बड़े ही आराम से दिया, मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि वैशाली कैसी है, मैं उसे तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ, समझे? उसने फिर बड़ी शान से अपना एक हाथ अपनी पैंट में डाला और एक हाथ से उसने अभी भी वैशाली का हाथ थामा हुआ था। वैशाली अब उन दोनों की बातों से तंग आ चुकी थी। उसने अक्षत के हाथ को ऊपर उठाया और अपनी पूरी जान लगाकर एक जोरदार बाइट उसके हाथ पर काटी। अक्षत को अचानक से अपने हाथ में एक दर्द महसूस हुआ। उसने वैशाली को घूर कर देखा, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। अक्षत ने देखा उसका हाथ पूरी तरह से लाल हो चुका था। अक्षत धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मेरा हाथ खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चिकन खाने का मन इतना ही कर रहा है तो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ऐसे तुम मेरा हाथ खाकर मेरी बेइज्जती तो मत करो। अगर किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे कि अक्षत जिंदल अपनी गर्लफ्रेंड को पेट पर खाना नहीं देता। वैशाली अक्षत की बातों से हैरान थी। उसने अपने नुकीले दांत पूरी तरह से अक्षत के हाथ पर गड़ा दिए थे, लेकिन इस इंसान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिससे वो थोड़ा उदास हो गई। अक्षत ने दोबारा से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। इस बार उसने थोड़ा शरारती लहजे में कहा, उदास क्यों हो रही हो? कहीं तुम्हारे काटने का कुछ और ही मतलब तो नहीं? वैशाली को उसकी बात सुनने के बाद खांसी आ गई। वो अब जैसे पागल ही होने वाली थी। उसने अक्षत के मुंह के सामने अपना हाथ रखा और थोड़े गुस्से से कहा, मिस्टर जिंदल, मेरी एक बात अच्छे से सुन और समझ लीजिए। ना तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही मुझे आप में कोई दिलचस्पी है। ये बात आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ जाएं तो अच्छा होगा। ये कहकर वो अक्षत से अपना हाथ छुड़ाने लगी। इस बार अक्षत ने उसे आसानी से छोड़ दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे घूरता रहा। जाने से पहले वैशाली राघव की तरफ मुड़ी और उसने उससे कहा, और तुम भी सुनो, मुझसे जितना हो सके ना उतना दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चला सके, समझे? ये कहकर वो वहां से चली गई। अभिनव को तो जैसे शौक लग चुका था। वो धीरे से बुदबुदाया,
ये लड़की कितनी डेयरिंग है, मतलब इसने राघव के बारे में जो भी पहले बोला वो सब झूठ था। लेकिन भाई को इस बारे में कैसे पता चला? उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। कहीं भाई ने वैशाली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है? अभिनव अपने ख्यालों में डूबा हुआ था और वो अक्षत से इस बारे में जानना चाहता था। अक्षत वैशाली को वहां से जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो अपनी गार्ड्स की तरफ मुड़ा और उसने उन्हें इशारा किया। थोड़ी देर बाद राघव गेट के बाहर पड़ा हुआ था। उसके बॉडीगार्ड्स ने बड़ी बेरहमी से उसे वहां फेंक दिया था। अक्षत ने अपने हैंडसम चेहरे पर चश्मा चढ़ाया और उसने उन बॉडीगार्ड्स को अपने पीछे आने से मना करते हुए कपिल को अपने पीछे आने का इशारा किया। अभिनव अभी भी वहां खड़े अपने ख्यालों में था। क्या करेगी वैशाली? जानने के लिए सुनती रही मैडनेस इन लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।